शॉपिंग के आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नया रिव्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं। और आज का जो रिव्यू वीडियो है वो एक फाउंडेशन के ऊपर है। सबसे पहले रिव्यू मैं करने जाऊँ उससे पहले एक अनाउंसमेंट कि मेरे पास निव्या का रिवाइटलाइजिंग स्क्रब जो है वो मैंने ले लिया है, मेरे पास आ गया है और मैं उसका रिव्यू एक या दो दिन के अंदर डेफिनेटली अपलोड कर दूंगी। तो जिनकी भी 6 महीने से रिक्वेस्ट थी वो अब पूरी हो जाएगी। तो अगर इतनी देर आपने रिक्वेस्ट की है तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारे घुचमुच प्रोडक्ट हो जाते हैं, इस वजह से मैं उसको नहीं खरीद पाई थी। और जो आप लोगों ने बायोटिक का या पता नहीं किसका टोनर था वो मुझे एक बार फिर से दोबारा से रिमाइंड कर दिए कि किस चीज़ का टोनर था वो, क्योंकि मैं कमेंट भूल गई हूँ। तो ये थी प्रोडक्ट के बारे में बात कि क्या नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन जो आज मैं बात करने जा रही हूँ वो है फाउंडेशन। तो ब्लू हेवन सिग्नेचर फाउंडेशन का रिव्यू, ब्लू हेवन के स्टिक का रिव्यू आई थिंक करने के लिए भी आया था और ब्लू हेवन का कोई भी फाउंडेशन करने के लिए भी आया था। तो ब्लू हेवन इस टाइम काफ़ी चढ़ा हुआ है मार्केट के अंदर। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे लोग भी ब्लू हेवन कर रहे हैं क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है काफ़ी रीजनेबल है और इफेक्ट वही देता है जो लैक्मे के डिसेंट प्रोडक्ट इफेक्ट देते हैं। तो उससे इसका कंपैरिजन किया जाता है, ऐसा मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा पहले। और अभी भी इसने बहुत सारे वेरियंट लिपस्टिक्स और पता नहीं क्या क्या निकाल दिए हैं। ब्लू हेवन का आईलाइनर पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, 45 रुपीज का आता है और काफी अच्छे दिन तक चल जाता है। मैं रेगुलर यूज में आपको यूज कर सकते हैं। और आज जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ब्लू हेवन का सिग्नेचर फाउंडेशन। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। तो मेरे पास स्किन शेड है, आई थिंक एक ब्लश भी है इसके अंदर, वहां पर दो ही रखे हुए थे तो मैंने ये स्किन उठा लिया क्योंकि मुझे ये लगाना नहीं है, एज मैं बस रिव्यू करने के लिए इसको लेके आई हूँ। लगाना इसलिए नहीं क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन वगैरह या किसी फेस्टिव सीजन पे भी फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ। तो मैं उठा के किसी फ्रेंड को दे देने वाली हूँ जिसको भी ये सूट करेगा। तो इसकी जो बॉटल है, मैंने पहले लैक्मे का फाउंडेशन रिव्यू किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर वहां से चेकआउट कीजिएगा। और इसके बहुत सारे वेरिएंट भी, इसके अंदर एक फ्लोरिना करके फाउंडेशन भी आता है ब्लू हेवन का एक ऑयल फ्री फाउंडेशन भी आता है। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो है सिग्नेचर फाउंडेशन की, तो आप लोग कंफ्यूज मत हुए कीजिए। तो इसकी पैकेजिंग जस्ट सेम लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन के जैसी है, सेम दिखता है। इसकी जो कैप है वो भी सेम है, वो हल्की सी लाइट कलर की है, ये हल्की डार्क कलर की है। और इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही इंग्रेडिएंट है, इस पर सिर्फ लिखा हुआ है कि इसको अच्छे से शेक कर लीजिए जब आप यूज़ करें और आपको फिंगर टिप्स से अप्लाई करना है फेस और नेक पर अच्छे से, बस इतना ही इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसकी जो MRP है ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, 60 रुपीज़ इसकी MRP है। और क्या है इसके अंदर, एक स्पैचुला के साथ ये आता है जो कि लैक्मे परफेक्ट लिक्विड फाउंडेशन नहीं आता था। उसमें भी 5 या 6 शेड्स अवेलेबल हैं, आई थिंक इसमें भी 5 या 6 शेड्स आपको मिल जाएंगे। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी ठीक है, ना बहुत ज़्यादा रनी है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि थिक है, एकदम ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी है इसकी। और ये जो कवरेज देता है वो बिल्कुल शेयर कवरेज देता है, बीबी क्रीम से भी शेयर कवरेज है इसका, कोई कवरेज नहीं है इस फाउंडेशन का। अगर आप रेगुलर बेस पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है क्योंकि आप रेगुलर बेस पे इतना कवरेज नहीं चाहते लेकिन फिर भी एक फ्रेश लुक चाहते हैं अपने चेहरे पर तो इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। जो सबसे खराब बात है वो है इसकी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो लगाने के काफी देर बाद तक भी आपके आसपास रहेगी और आपको भी वो स्मेल आती रहेगी। तो स्मेल के मामले में मैं बिल्कुल इसको डिसअपॉइंट कर दिया इसने मुझे, क्योंकि इसकी बहुत तेज स्मेल है, बहुत बहुत ज्यादा तेज स्मेल है और शायद वो काफी लोगों को ना ही पसंद आएगी क्योंकि ऐसी कोई प्लीजेंट सी स्मेल नहीं है कि आपको बहुत ही पसंद है। कॉस्मेटिक स्मेल करता है, कुछ वैसा स्मेल कर रहा है ये। और मैं इसको आपको ब्लेंड करके दिखाऊं तो ये हल्का पिंकिश येलोइश टोन के अंदर है तो डेफिनेटली इंडियन स्किन वालों को ये पसंद आ जाएगा। और मैंने कपड़ों में लगा लिया, ये देखिए, ये यहाँ पर आप इसको जब ब्लेंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपके स्किन पर और पता नहीं लगेगा कि फाउंडेशन कहाँ चला गया। तो उस मामले में ये काफ़ी अच्छा है, मैट फिनिश है इसकी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि ये जो आपके किसी को फाइन लाइन्स या कुछ है
तो धीरे धीरे ये वहां पर सेटल हो जाता है, वहां पर ये सेटल हो जाएगा फाउंडेशन। तो हाँ ये इसका वो है, तो आपको लूज पाउडर या किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट जरूर करना पड़ेगा, मैट है इसके बावजूद भी। स्मेल मेरे को पसंद नहीं आई, इजी टू ब्लेंड है, रीजनेबल प्राइस है, आप इसको डेली वेयर में यूज कर सकते हैं, मैट फिनिश के साथ है। कॉन पॉइंट ये भी है कि इसकी ग्लास बॉटल है, तो आप इसको कहीं भी ट्रेवल में नहीं ले जा सकते, काफी फ्लिमजी और एकदम बल्की सा पैकेजिंग है इसका, जैसे लैक्मे का था। और एक कौन जो अच्छी बात है वो है स्पैचुला के साथ आता है, लेकिन वो भी कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, 60 रुपए में आप जान लेंगे क्या इसकी, तो वो भी कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बट ओवरऑल सही फाउंडेशन है, अच्छा फाउंडेशन है। 60 रुपए में आप अगर दिवाली वाली के लिए, फेस्टिव के लिए, थोड़ी देर के लिए लगाकर घूमना फूमना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा पिंपल है या जिनको बहुत ज्यादा एक्ने के मार्क्स हैं और या फिर कोई ऐसे मार्क्स हैं बर्न के मार्क्स है, तो वो इसको कवर नहीं करता है। मैं फिर बता देती हूँ, शेयर कवरेज है इसका, कवर नहीं करेगी ज्यादा चीजें। अगर पिंपल के स्पॉट्स वगैरह हैं तो आपको उसको डेफिनेटली पहले कंसील करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल 3 रेटिंग दूंगी मैं इस फाउंडेशन को 5 में से। तो अगर आप लोग इसका रिव्यू चाहते थे ना, सॉरी, आप लोग इसका रिव्यू चाहते थे इसलिए मैंने रिव्यू कर दिया है। इसके और भी वेरिएंट है, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इसको परचेज करना है या ब्लू हेवन के और भी कॉस्मेटिक्स को परचेज करना है, तो आप, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इसके और कौन कौन से फाउंडेशन स्टिक वगैरह है। और साथ ही साथ आप इसकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, इसके लिपस्टिक्स बहुत अच्छे हैं ब्लू हेवन के, पर्सनली मुझे फेवरेट, मुझे पसंद है, साथ ही साथ इसके आईलाइनर मुझे पसंद है। तो ये था मेरे फाउंडेशन का रिव्यू, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो अपना प्यार दें, और ऐसे कॉमेंट के थ्रू आप अपनी कोई भी सजेशन क्वेरी मुझे भेज सकते हैं। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करते रहिएगा, मैं ये हर बार कहना भूल जाती हूँ, लेकिन अब से मैं सारी वीडियोस में ध्यान रख रही हूँ कि मैं इंस्टाग्राम की बात जरूर कहूँ। आप मुझे वहाँ फॉलो करते रहिए और अपनी क्वेरीज, सजेशन, सवाल, जो भी आपके मन में है आप मुझे पूछिए। हाय ना लिखे वहां पर, आप अपनी क्वेरी सवाल लिखे, उसके बाद आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं। मैं मोस्टली जिन्होंने मुझसे बात की है मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, और हालचाल पूछने का भी रिप्लाई करती हूँ इवन। तो आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो करते रहिए। मैं अपना जो मेरा आईडी, यूजर आईडी है, वो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगी, और आप डेफिनेटली मुझे वहां पर फॉलो कीजिएगा। 30 ml इसकी क्वांटिटी है, बात करते करते मुझे पता ही नहीं लगा और मैंने क्वांटिटी बताना मैं भूल गई। तो इसकी 30 ml क्वांटिटी है, 60 rupees इसका प्राइस है। तो आप जरूर इसको खरीदिएगा, आपको मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।